प्याज के नाम की कसम खाऊंगी, जहां हमको ले जाए वहां जाऊंगी। मैं बात करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बेबी का चेहरा देखकर आ रही हूँ। इस कदर खराब हो गया है कि देखा नहीं जा रहा है। मैंने और तूने तो कुछ किया नहीं बेबी के साथ, फिर बेबी के साथ ये कारिस्तानियां किसने की? कौन कर सकता है, मैंने की है। आपको ना घर के बाहर इतनी ढेर सारी लाइटें लगवानी चाहिए कि दूर से पता चले इस घर में ना शादी है। बिग बी, अम्मी पूछ रही हैं कि आप तैयार हो गए या नहीं, और आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अबू से कहूं डॉक्टर को बुलाएं? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। क्या हुआ तो बताइए, फिर आप रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे यार, जब मुझे घर आके खाना खाना है तो मैं इतना तैयार होके क्यों जाऊं भाई? मतलब आपको पता है कि ये भी आपको एंबैरेस ही करेगी, है ना? जाहिर बात है, ये जो सारी खवातीन है ना, ये एक ही रेडी के खरबूजों की तरह है। इनमें से एक का रंग पता चल जाए ना, तो समझो बाकियों का भी वैसा ही है। इसलिए मुझे हीर से वैसी उम्मीद है। वैसे एक बात पूरी बिग बी, शुक्र है खुदा का कि मैं इन सब इश्यूज में नहीं पड़ी। टाइमली मेरी बात पक्की हो गई वो भी रोशन से। काश मेरी भी सितारा से हो जाती। क्या 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 ये अभी क्या बोला आपने? क्या 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 कहा मैंने? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहना है? जो भी बोला है ना, एकदम परफेक्ट बोला है, लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। ये तो है यार। सितारा जो है ना, वो सबसे अलग है। कैसा इंसान जिसके साथ वक्त गुजारने को जी चाहता हो, उसकी बातों में इतना ठहरा हो, इतनी गहराई हो कि बस सांस डूब जाए। बस बस बिग बी, इतना इमोशनल ना हो, मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। वैसे आप एक काम क्यों नहीं करते, बात करें ना सितारा से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कह दिया और बात अम्मी तक पहुंच गई तो अम्मी तो सितारा का जीना आराम कर देंगे। ऐसे भी बड़ी मुश्किल से अम्मी का रवैया सितारा के साथ ठीक हुआ है। अम्मी ने सितारा को रोका भी मेरी वजह से। तो अम्मी से मैं वादा ना करता हूं तीनों को डेट पे ले जाने का, फिर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने का, तो सितारा घर छोड़ के जा चुकी होती। ओह माय गॉड, मतलब कि सितारा के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? और भाई आप, ये जो डेटों वाला चक्कर है ये तो सही है, लेकिन शादी? शादी तो मेरी उसी से होगी जिसे मैंने मांगा है, जो मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है। इस लड़की की मोहब्बत हासिल करने के लिए सारे जतन कर लिए, मगर ये टस से मस ही नहीं हो रही। खिदमतें कर ली, ख्याल रख लिया, जोक मार लिए, प्रैंक कर दिया, लेकिन मजाले जो उस पर असर हुआ। अब क्या करूं ऐसा कि बेबी के दिल में चांद की जगह बबलू की मोहब्बत आ जाए? क्या सिर्फ मेरा कसूर इतना है कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं? मोहब्बत को हासिल करने के लिए तो हिम्मत की जरूरत होती है, जो मेरे अंदर है। मोहब्बत को हासिल करना अगर पहाड़ की चोटी पे पहुंचने की तरह होता है तो आखिर मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा? बेबी के सामने अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि बस वो चांद को भूल जाए,
और सिर्फ पपलू पपलू करे, चांद के करीब होने की बजाय खुद मेरे पास आ जाए। या हो सकता है कि वो मेरी मोहब्बत को कमजोर समझती और चांद की मोहब्बत को मजबूत, या फिर चांद के पास ये बंगला गाड़ी सब है और मेरे पास नहीं। कोई ना कोई बात तो जरूर है बबलू मियां, जो मैं भूल रहा हूं या मैं नहीं कर पा रहा। हाँ, यही सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा जो मैं नहीं कर पा रहा, या हो सकता है मुझे किसी माहिर आदमी से मशवरा लेना पड़ेगा। अबे क्यों ना मैं डायरेक्ट चांद से ही मशवरा ले लूं। नहीं, चांद से नहीं, इस तरह तो मेरी और बेबी की मोहब्बत का बांडा सबके सामने फूट जाएगा। अरे यार, मेरे दोस्त भी तो निकम्मे हैं एक नंबर के, किससे मशवरा लूं। हाँ, आइडिया। और ये इसकी भी फिटिंग ठीक करवानी है, टेलर की जाकर ना जरा ठीक ठाक इज्जत अफजाई करना, कहना इतने पैसे लिए हैं, इतना महंगा काम करते हो और ये काम करके दिया। जी मुमानी। और मुमानी वो फुप्पो, फुप्पो मैं तैयार हूं। तैयार हूं? ये क्या पहन कर आ गई हो? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, अच्छी लग रही हो, लेकिन चांद को नहीं पसंद इस तरह के कपड़े। तो फिर मैं क्या पहनूं? पर्पल। पर्पल कलर पसंद है चांद को। हाँ ओके, अब पर्पल कलर की शलवार कमीज पहन लो तुम। ओ नो, एक तो आज फ्राइडे 13th, ऊपर से फुप्पो पर्पल कलर का ड्रेस पहनने को कह रही है, मेरी तो आज कुर्बानी पक्की है। पर्पल कलर के शलवार कमीज, क्या हुआ, जाओ ना। फुप्पो मेरे पास ना पर्पल कलर का ड्रेस है ही नहीं। उफ मेरे खुदा, मुझे लगता है तुम चांद की दुल्हन बनना ही नहीं चाहती हो। जाओ। नहीं नहीं फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सोच रही थी कि मैं कल चली जाऊंगी चांद के साथ। मैं ना रात में बाजार जाके ना एक पर्पल कलर का ड्रेस भी ले लूंगी, कल चली। रुको, वापस आओ, जाओगी तो तुम आज ही। सतारा। जी मुमानी। मुझे याद आया, चांद ने तुम्हें एक पर्पल कलर का सूट गिफ्ट किया था, है ना? जी मुमानी। वो तुम हीर को दे दो, हीर वो पहनेगी। जी। कोई मसला है? नहीं मुमानी, कोई मसला नहीं है, मैं भी लाती हूँ। This is so mean. फुप्पो चाहती है हीर चांद की दुल्हन बन जाए। जिस तरह उन्होंने हीर को चांद का फेवरेट कलर पहनने को कहा था ना, उससे तो साफ यही लगता है। तो फिर क्या किया जाए? अगर हम ऐसा वैसा कुछ करते तो भी फुप्पो को पता चल जाएगा कि उसके पीछे हम हैं। एग्जैक्टली, मैं बताती हूँ। हमें ना हीर के साथ माइंड गेम्स खेलनी है। माइंड गेम्स? या हम हीर के साथ माइंड गेम्स कैसे खेलेंगे? वो तो हमसे बात भी नहीं करती है। हाँ, तुमने एक्सप्रेस चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी? हीर का चांद के साथ जाने से इनकार, इनकार, इनकार। What? Seriously? हाँ, पता था तुम्हें उसका, कह रही थी आज हफ्ता है, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पप्पो ने बेटे उसकी ऐसी क्लास ली। मुझे लगता है फुप्पो की नीयत में भी फतूर है, फतूर। लीव कराओ पप्पो को, मैं बताती हूँ। अभी ना हम हीर का सोचते। मेरे पास एक आइडिया। क्या? What? Tell me. Listen. मैं आपके हूँ, अब बरसात का मौसम है।
पापा क्यों हुआ है, पर आप भी हमारे दिल में रहती इसमें कौन सी बात। हाँ लेकिन देखिए जब होती है शादी तो उस प्रति ये मोहब्बतें चलती रहती हैं। अब परेशान हो रही है भाई, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, खादिम हूँ आपका खादिम। वो आपको कहीं लेके नहीं जाता, आपसे मिलने नहीं आता, ये तो आप कह सकती हैं, लेकिन ये सरासर ज्यादती होगी कि आप ये कहेंगी कि आफताब आपसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत? अरे आप हमारे शहर में इतने सालों बाद आई हैं भाई। आई हैं? जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। अरे जी जी इंतजार तो मुझे भी बेइंतहा है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। हा? मिलने का प्लान बनाया जा रहा है, अम्मा को बताना पड़ेगा। तो भाई हम भी यही कहेंगे, आप भी तो मिसेज आफताब हैं। बबलू सच सच बता, खा कसम। चांद की कसम? हाय तेरे मुंह में खाक, मेरी कसम खा। अम्मा तेरी कसम। बेबी की कसम खा। बेबी की कसम। हाय ना नगीना, ये तेरी किस्मत इतनी क्यों फूटी है? यहां मैं तेरी बारात सजाने का सोच रही हूं, लेकिन उससे पहले इस घर में एक नया तमाशा चल गया। अरे भाई किसने कहा था भाई साहब को इस उम्र में अपना सेहरा बांधने को? पता नहीं उस खानदान में न जाने कौन कौन लोग होंगे, तेरे हिस्से में न जाने कौन सा हिस्सा आएगा, तेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो गया। हाय नगीना तेरी किस्मत में ये सब क्यों क्यों क्यों? जरूर ये सब कुछ ना मेहताब की जबान की वजह से हुआ है, और चलाए कैंची की तरह तर 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 तर। हाँ अब ये देख लेना, हर किसी की किस्मत तेरे बाप की तरह रोशन नहीं होती कि जिसे हसीन और जमील नेक शरीफ और मासूम बीवी नसीब हो मेरी तरह। हाय माँ मेरे को तो मेरी टेंशन हो रही है, मैं दो दो सासें कैसे हैंडल करूंगी, सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। अरे मेरी बेवकूफ औलादो इतनी आगे की मत सोचो, अगर तो भाई साहब ने दूसरी शादी की है तो तुम देखना मैं ये शादी तोड़वा कर ही दम लूंगी। अरे मैं तंबू उखाड़ दूंगी, पतीला तोड़ दूंगी, यहां तक के फानूस की किरचियां किरचियां बिखेर दूंगी जमीन पर। बबलू इधर आ, बात सुन। देख आज के बाद तूने भाई साहब का साया बनकर उनके आगे पीछे मंडलाना है। वो जहां जा रहे, जिससे बात कर रहे, क्या खा रहे, क्या पहन रहे, कब नहा रहे, कब सो रहे, यहां तक के बाथरूम में घुस के किससे बातें कर रहे, सरगोशी में एक एक खबर पर नजर रखनी है और सब कुछ आके मुझे बताना है। मैं बेबी को बता क्या? अबे सुन बेवकूफ, बेबी को नहीं बताना बल्कि किसी को कुछ नहीं बताना, समझ आ रही है? चल जा। और सुनो मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, अगर तो भाई साहब का ये राज हमारे पास है ना, तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं कि वो जोर डाले चांद पर कि वो तेरे से शादी करने पर आमादा हो। माँ तेरे को मेरा कितना ख्याल है, कितनी अच्छी है तू। अच्छा बस ज्यादा ड्रामे ना कर, बस आए मेरी सांस घुट रही, हट हट। सोचो बुढ़े को अभी अपनी बारात तैयार करनी थी। जाते ही कमरे में बीबी। हाँ ये कमरे। आज क्या तारीख है? 13 जुमा है ना? हाँ नगीना तुम्हें पता है आज 13th फ्राइडे है और ये साल का सबसे मनहूस दिन माना जाता है। पता है कहते हैं इस दिन दो प्यार करने वाले जब मिलते हैं ना वो मार दिए जाते हैं। हे सच्ची? हाँ तुम्हें पता है लास्ट 13th फ्राइडे को क्या हुआ था? दो प्यार करने वाले मिले एक रेस्टोरेंट में और उनको जहर दे दिया गया और उसके बाद उनको किचन में बांध दिया और बांधने के बाद उनकी उंगलियां काटी
और उसके बाद उनको जबरदस्ती एक दूसरे की उंगलियां खाने के लिए कहा और फिर वो कभी वापस नहीं गए, वो मर गए। हाँ, तेरे को पता है मेरे गांव में भी कोई ऐसी चीज हुई थी। दो प्रेमी बाहर जा रहे थे जुमे की 13 तारीख को, उनकी गाड़ी पे बिजली गिर गई और फिर उनके पीछे जंगली जानवर पड़ गए और फिर वो भागे 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 और पता है दो हफ्ते बाद उनकी लाशें मिली दरख्त से उल्टी टंगी हुई। हाँ, लेकिन मेरी बात सुन, हमने ना ये हीर को नहीं बताना ताकि वो तो चांद के साथ बाहर जाए और हमें उससे छुटकारा मिले। हाँ, अच्छा आइडिया, हीर को बिल्कुल नहीं बताना। हाँ ठीक है। हायो रब्बा, एक ही रौला पे आ गया। मुझे ये वाकया अभी सुनना था। जो भी कहें, चांद अब मुझे किसी ऐसी कैसी जगह पे ले गया तो मैं क्या करूंगी। चांद तो वैसे भी इतना लापरवाह है, मैं ना अम्मी को मना कर देती हूँ कि मैं नहीं जाना उनके नाल। हाय हाय पुत्र, तू अभी तक इतने खड़ी है? अरे चांद तेरी राह तक रहे बाहर। तकने दे रहा उसको, मैं उनके नाल नहीं जाना। हाय हाय की हो गया तुझसी, अब मुझे लगता है कि तेरे पे ना तावीज साबित कर दिया है नगो भाभी ने। रुक जा, मैं तेरे पे दम कर देती हूँ थोड़ा सा। अभी तेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होगी होगी, है ना? अम्मा, अपनी फूंक पे तो आपको ऐसे यकीन है जैसे कई आस्थानों पे बैठती हो। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं चांद नाल नहीं जाना। ओ, क्यों हो गया? हाँ धोती है ऐसे, जा मेरी बला से, ना जा। आजकल के बच्चे भी ना। बबलू, ये क्या है? अरे तो खुद देख लो। बबलू, मैं ये देख चुकी हूँ तभी तुमसे पूछ रही हूँ कि ये क्या है। अरे ये फेस मास्क है और मैंने खास तौर पे अपने हाथों से बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए। बबलू, चीजें हाथों से ही बनती, कभी तुमने किसी को देखा है कुछ पांव से बनाते हुए? हाँ, जिनके हाथ नहीं होते वो पांव से बनाते। वेरी फनी। अरे नहीं, इसको सूंघ क्यों रही हो? इसको सिर्फ और सिर्फ फेस पे लगाना है और तुम देखना सुबह तुम उठोगी ना तो कोई और ही चीज निकलोगी। बबलू, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सुबह कोई और चीज निकलूंगी? Are you mad? मेरा मतलब है कि तुम्हारे हुसन को 4 चांद लगा देगा बेबी। और ये सब? अरे बस 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 बस, मजीद सवाल मत पूछो, तुम चुपचाप ये लगाओ। अरे हाय अल्लाह, क्या चीज है यार। अच्छा ठीक है, फिर मैं रेड ड्रेस डन कर रही हूँ, सही है? बताती हूँ तुम्हें। ओके बैठ। फलक, मोमानी ने फिटिंग के लिए कपड़े दिए हैं, शाम में चलें टेलर के पास? अभी नहीं जा सकते, शाम में खाने के बाद हिम्मत कहाँ होती है। अभी फलक, तुम्हें पता है ना मुझे कितने काम हैं, और आज हीर भी जा रही है तो बाहर एक अलग ही आफत मची हुई है। हीर जा रही है आज, कुछ छोटी बात तो है नहीं, अब देखते हैं यहाँ पे नया क्या होता है। होना क्या है, जिसे आप पसंद करते हैं उसे हर हाल में बर्दाश्त करते हैं, और हीर तो चांद की मनपसंद है। ये किसने बोला है आपसे? चांद ने खुद कितनी दफा भूल गई। अगर बिग बी हीर को पसंद करते तो वो नगीना और बेबी के साथ यूं जाते अजियत काटने के लिए, कभी सोचा तुमने? क्या मतलब? तुम ये कह रही हो कि हीर चांद की मनपसंद नहीं है? गौर्स नहीं करते यार तुम, मेरा भाई है ना वो, मैं जानती हूँ उसको, ऐसी लड़की उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मगर फिर बात बात पर हीर की तारीफ। देखो सितारा, इट्स अ फेयर डील, तुम या मैं कभी भी कुछ अच्छा करते हैं तो बिग बी हमारी भी तारीफ करते हैं ना, तो ऐसे ही हीर ने भी कुछ अच्छा कर दिया होगा, उसकी भी तारीफ हो गई। वैसे मैं तो कहती हूँ कि तारीफ में ना कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो बोल दो,
समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ। और इसे एक बात कहूँ तुमसे? कहो। मेरे भाई इतने बुरे नहीं है जितना तुम उनको बना देती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और बाय द वे, आपके भाई मेरे पे कुछ लगते हैं। ओह अच्छा, मेरे भाई आपके क्या लगते हैं मैडम? आ आ आ बताकर जाओ ना, क्या लगते हैं मेरे भाई तुम्हारे? पागल। पगली, शर्मा गई। मुझे कह रही थी कि चांद के साथ डेट पे जाओ ना तो कुछ स्पेशल पहनना। वैसे आपस की बात है, बड़ा ही कोई चीप ड्रेस है उसका। अच्छा फिर चलें हम? चलें। बात सुने, हम जा कहाँ रहे हैं? सही सी बात है, किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कोई ना हो। नहीं नहीं, मुझे ना किसी सुनसान जगह पे नहीं जाना, मुझे उलझन होती है। हम किसी रश वाली जगह पे जाएंगे। वेट, चल। दे मैं नहीं देता था, बाबा तेरा होते रहे। तो बेटा मैंने भी कम पापड़ नहीं बेले यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ताबो तेरी मुट्ठी में गई पूरी तरह? अरे कहाँ यार। चल तो ही बात नहीं, तू लदा रहे। क्यों, कब तक? जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता। अरे बबलू भाई, मोहब्बत तो खून तक मान लेती है। अबे भाई खून का तो पता नहीं, मगर ये मोहब्बत ना बड़ी महंगी पड़ रही है मुझे। अबे अभी उसको ना मेकअप का सामान गिफ्ट करना है मैंने। अरे बबलू भाई वो तो बहुत महंगा होता है, मैंने एक बार अपनी बच्ची को ब्रांडेड लिपस्टिक गिफ्ट की थी। फिर क्या, अम्मा की कमेटी निकली थी, एक चौथा हिस्सा उसके लिपस्टिक में लग गया। ये कमेटी क्या होती है? अबे कमेटी नहीं अंदर तू, अबे तित दुनिया में रहता है। नहीं नहीं बेटे, आज ही तो भाई को सही वक्त पे सही बात का मतलब समझ आया है। कमेटी से मतलब? तुझे क्या समझ आया? बताऊंगा बताऊंगा बेटे, मगर अभी ना मुझे जरूरी कॉल करनी है। अपना फोन निकाल। अरे बबलू भाई इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। अबे भीख मंगे कभी तो उसमें बैलेंस रख लिया कर। अरे बबलू भाई बैलेंस रख तू तो दो थरम दे लेते, तो मैं काम तेरे अपने फोन से कर लो ना। अबे अपने फोन से तो नहीं फोन करना, यही तो स्कीम है। पिछली दफा ना ये गलती मैं कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शम्मो खाला मेरे इतने काम आ सकती हैं। चल आ जा, इसमें बैलेंस डलवाते हैं। चल। शुक्र है खुदा का, अल्लाह अल्लाह करके ना मेरी हीर चली गई है, वरना तो ऐसा फसाद खड़ा किया हुआ था उसने कि जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं किसने कोई जादू कर दिया उस पर, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी ना। उस पर किसी ने क्या कुछ कर देना, उसकी तो अपनी सोच खुद से नहीं मिलती अक्सर। चची आपको पता है, वैसे अम्मा क्या बिल्कुल ठीक रही हैं, मेरे को ऐसी ऑप्शन मिलती ना कि मैं चांद के साथ बाहर जाऊँ तो मैं तो फौरन चली जाती। आपकी बेटी देखे, अब बुध है, जुमेरात है, चांद निकला है, सूरज नहीं निकला है, मेरे को तो समझ में नहीं लगती है। ये तो मुझे समझ नहीं आती हीर की, आजकल के जमाने में ऐसी बातें करती है वो। Yes, you are so right. I mean,
हीर ने तो स्ट्रेट कह दिया कि नो फ्राइडे फॉर मी, उसके लिए तो वो ठीक ही नहीं था। लेकिन वाओ बिल्किस, तुमने तो अपनी डॉटर को सैक्रिफाइस ही कर दिया। खैर हमें क्या, व्हाटएवर। खैर अगर हीर की कदामत पसंदी हटा दी जाए तो आदत अतवार की तो बड़ी अच्छी बच्ची है वो। पप्पो आपको तो ना हीर में हीरे ही नजर आते हैं। तो हो सकता है कि फुफो ने हीर को चुन लिया चांद के लिए। लो भाई मेहता, अब क्या जवाब दोगी इस बगावत का? नहीं ये तो मैंने एक आइडिया लगाया ना, वो वैसे भी तो फुफा वो कहते हैं ना कि इस्लाम में तो चार शादियां जायज हैं, और चांद भाई भी तो सभी का दिल रखते हैं। ए बबलू, सोच समझ कर अपने मुंह से बात निकाला कर। अल्लाह ना करे कभी किसी के सर पे कोई सौखन आए, ये दर्द बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। भाई अल्लाह का शुक्र है हमने तो ना पुरसुकून मैरिड लाइफ गुजार ली, दूसरी शादी तो इस्तग़फ़ार। अरे भाई ये तो नसीब नसीब की बात है, जिसकी दो होनी होती है ना किस्मत में लिख दी जाती है और वो हो के रहती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ। कितनी अजीब सी बात है, लोग खाना खाने जाते हैं तो उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, आराम से सुकून से बैठना होता है, बात करनी होती है। तुम्हें ऐसी जगह पे आना था जहाँ पे इतने लोग हों, रश लगा हो, वो भी आउटडोर गर्मी में। जो भी है मुझे ना जो अच्छा लगा मैंने आपको कह दिया। इट्स फाइन, चलो तुम बैठो मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं नहीं आप कहीं नहीं जाएं, अभी वेटर आ जाएगा हमारा ऑर्डर लेने। नहीं नहीं ये सेल्फ सर्विस वाली जगह है, ये फूड स्ट्रीट होती है, यहाँ सेल्फ सर्विस होती है, मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है, आप ना आराम से बैठे रहे यहाँ, वेटर आ जाएगा ऑर्डर लेने। शायद तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं ऐसी जगह पे आने का। देखो ये जो फूड स्ट्रीट्स होती है ना, यहाँ पे आपको शॉप पे जाना होता है, वहाँ पे खाना सेलेक्ट करना होता है, फिर पे करना होता है, फिर थोड़ा सा खाने का वेट करना होता है, फिर आप खाना पिक करते हैं, फिर आप लेके अपनी टेबल पे आते हैं और खाते हैं। अच्छा तुम बस कहीं नहीं जाना, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ, मुझे पता तुम्हें क्या चाहिए, मैं ले आता हूँ बस। ठीक है, आई नो व्हाट यू वांट, मैं ले आता हूँ। तुम्हें पता है लास्ट 13th फ्राइडे को क्या हुआ था? दो प्यार करने वाले मिले एक रेस्टोरेंट में और उनको जहर दे दिया गया। कहाँ गई है? क्या अजाब आ गया, कहाँ चली गई? मैं छोड़ गई। ए गुड्डो, क्या तुम भी वही देख रही जो मैं देख रही? मुझे भी वही लुक हो रहा है जो हम वॉचिंग कर रहे हैं। चलो पता करते हैं माजरा क्या। बच्चों सब खैरियत है? आज दोनों तुम एक साथ कैसे? यस, हम क्या डिस्कसिंग कर रहे हैं हम इन तुम दोनों साथ? यस मामा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब सब डिजीज़ का इलाज वन अनार है तो डिजीज़ को चाहिए कि यूनिटी होकर लेनी चाहिए, है ना नगीना? ये नगीना तू भी कोई अकल की बात कर ले। अबे उमा मैंने तो बेबी को समझाया है, आपने देखे कैसे फूफो हीर 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 बोल रही होती हैं? मेरे को तो इस बात की टेंशन हो रही है हम लड़ लड़ के मर जाएं और वो हीर की बच्ची चांद को ले उड़े। यस चानी, मैं भी मेहताब बाजी के वेज वॉच कर रही हूँ, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि हम हीर को बैड गर्ल कैसे दिखाएंगे। परेशान तो मैं भी बहुत थी लेकिन हमारी बच्चियों ने उसका इंतजाम कर ही लिया। अम्मा तेरे को पता है इतनी कंफ्यूज हो गई थी, चांद भी उसके हनकपन पे हंस रहा था। अब हीर को पता लगेगा, ये हमेशा हमारे खिलाफ प्लानिंग करती थी, प्लानिंग।
भाई गुड्डो, साफ सी बात है, मुझे इस बात से हरगिज कोई मसला नहीं है कि चांद की दुल्हन मेरी नगीना बनती है या तुम्हारी बेबी। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है ना इस बिल्कीस का, तो इसकी आदतों से मुझे बड़ी खौर आती है, मेरा बस नहीं चलता बस। यस देखो भाभी, मैं भी वही फील कर रही हूँ। आपको याद है जब हीर पैदा हुई थी तो बिल्कीस ने उसको यहाँ आके ड्रॉप कर दिया था, और फिर मेहताब जी से कहते जिस तरह आपने मेरी बेटी को रेज किया है कोई भी रेज ही कर सकता, मैं खुद बच्ची थी। हाय, सदियां गुजर गईं लेकिन ये बिल्कीस आज भी छुन्नी काकी है, बड़ी होने का नाम नहीं ले रही। आज भी तो देखो कैसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ पिलाओ इसे पानी, खाना भी खिला दो, मेरा बेटा बस भूखा प्यासा रहे, किसी को फिक्र नहीं है। अरे भाई तमाशा बनाकर रख दिया तुम सबने मेरे बच्चे का। हाँ तो हो गई है। अरे मेरी बच्ची क्या हालत, तो देखें आप क्या हो रही है, बस बोले जा रही जो मुंह में आए जा रहा है। अरे 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 बस कर जाओ बिल्कीस, बस कर जाओ बिल्कीस। अगर तुमने इसी तरह इसे पहले डांट दिया होता ना तो नौबत यहाँ तक ना आई होती। देखो लिसन हियर, अगर तुमने कोई ईचिंग करनी ही नहीं थी तो बेबी की तरह करती ना, एटलीस्ट चांद को वापस तो ले आती। वो बेचारा ही इज सो हल्कान राइट नाउ, अभी उसको पता चला है कि हीर घर आ गई। अरे भाई इस हीर का तो मेरी समझ में नहीं आता, पहले जाने के लिए ना ना करती रही, उसके बाद जबरदस्ती तैयार करवा के भेजा तो अकेली भाग कर आ गई मेरे बच्चे को वहीं छोड़कर। पता नहीं किसी गैर बंदे ने ना कॉल करके नंबर लिया, उसके बाद कैब में बैठा कर उसको भेजा है। बदनामी हो जाएगी हमारे खानदान की, सारी दुनिया में क्या लोग सोचेंगे, कैसी लड़कियां इस खानदान की, बिल्कुल अकल से पैदल। अब यू नो मेहताबा जी, छोड़े ना, वी शुड लेट गो, बिकॉज अब इस तरह यलिंग और स्क्रीमिंग से कोई फायदा तो होना नहीं है, ये गर्ल्स में चोरी नहीं है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस की तो ले ही नहीं सकती। घर की अम्मी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। शुक्र है तुम आ गए, सब ठीक है ना? हाँ हाय, सब हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरी बच्ची के, हाथ होती है भाई, नगीना और बेबी ने भी तो किया था, उनको तो किसी ने चूना किया है। क्या बातें कर रही हो तुम बिल्कीस, अगर वो गई थी चांद के साथ तो उसके साथ घूम फिर कर वापस भी आई थी, यूं बीच में छोड़ कर नहीं आ गई थी चांद को। मुझे तो छोड़ के आई वो ठीक है, अपना फोन वहाँ पे भूल के आ गई। शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गया, तो मैंने फोन देख लिया, फोन उठा लिया, वरना कोई और लेके चला जाता, मुझे पता भी नहीं चलता कि ये खुद आई हैं या किसी और के साथ आई हैं। उफ हीर, तुम्हारे वहम और वसवसे, क्या हो गया तुम्हारी इस लड़की को, समझाओ अकल दो इसे कुछ। चलो बेटा चलो, तुम चल के फ्रेश हो जाओ, मैं फिर खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है मैं, ये फोन हाँ रख दो यहाँ पे। अजीब लड़कियां हैं भाई, पता नहीं क्या हो गया। हाय हाय, एक बात तो बता, और जब तूने कुछ खाना पीना ही नहीं था तो तू फूड कोर्ट गई क्यों थी हैं? दस मेनू। अम्मा मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ है बेड़ा घर को। चांद ने खाना खा लिया? जी मुमानी, बस थोड़ा ही खाया, कह रहे थे दिल नहीं चाह रहा। हाँ जाहिर है मेरा बच्चा इतना खजल ख्वार हुआ है, कैसे खाता। ठीक है जाओ तो। जी तो मानो ना मानो, चांद का ख्याल सिर्फ सितारा रख सकती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसे आदत है सबका ख्याल रखने की। आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता बेगम साहिबा। अच्छा से पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरा एक दोस्त बड़े अरसे बाद कराची आया हुआ है, उसको मैंने कल घर बुलाया खाने पे। तो अभी सितारा यहाँ थी तो बता देते ना उस वक्त। अरे बताने की क्या बात है, दो ही तो है मियां बीवी, बस अच्छी तरह खातिर मदारात कर लेना उसकी। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभियां ना कोई खड़ाक करे यार। क्या मतलब है आपका, मेरी भाभियां कोई बम का गोला है क्या? कम भी नहीं है उससे, तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, वरना इस चिड़िया घर में किसका दिल करता रहने को। ठीक है तो फिर जाएं, जाकर उनसे कहें कि अपना बोरिया बस्तर समेट कर चली जाए यहाँ से। अरे बोल देंगे बता देंगे, तुम सब्र करो, बस चांद चढ़ने का इंतजार करो, सब बता देंगे उनको। आते हैं हम। ओफो बिल्कीस, क्या हो गया, आप कब तक मुंह बनाए बैठी रहोगी, चलो चाय पियो। यस बिल्कीस, एंग्री खत्म करो, बहुत हो गया। नहीं ऐसी बातें तो कितनी बार पहले भी हुई, तब तो तुमने कभी इतना मुंह नहीं फुलाया। हाँ तो आप दोनों ने भी तो मेरी कुड़ी को इतना घसीट के नहीं लेकर आना बीच में। ओह माय
गॉड, ये तो ऐसे टॉकिंग कर रही है जैसे इसने कभी ऐसे किया ही नहीं, स्पेशली टू आवर डॉटर्स। भाई देखो, अब जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अगर ये गल है तो फिर दे दे चाय, पी लेती उससे पहले ठंडी हो जाए। देखो असल गुस्सा ना तुम्हें है तो मेहताब की बातों पर है। यस यस, बिल्कुल राइट कह रही है ये। आप ना बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कसम से उन्हीं की बातों पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाय हाय, मेरी लाडली बेटी को कैसे खरी खरी सुनाई है उन्होंने, पेट भर के जरा भी ना सोचा कि उनकी भी लाडली भतीजी है। लेकिन मैं ना चुप नहीं रहूंगी, मैं ना हीर के बाप से बात करूंगी, वो अपनी बहन से निपटेंगे। हाँ, यू नो अगर मैं तुम्हारी प्लेस में होती ना तो मैं पैकअप करके लगेज लेके चल पड़ती। अब ऐसा भी नहीं है, अब इतनी दूर से आया तो शादी तो अटेंड करके ही जाएंगे ना, आखिर मेरा सगा रिश्ता है भाई, नंद है मेरी, वो भी इकलौती, अपने मियाँ को भी तो जवाब देना है मैंने ना। तो इकलौती नंद है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें कुछ भी सुना देंगी और तुम सुनती जाओगी। यस यस, आई मीन उस दिन तो भाई साहब ने भी टॉकिंग की और फिर भी मेहताब क्वाइट नहीं हुई, उसे तो बस सिर्फ फिक्र थी अपने चांद की। भाई साहब से मुझे याद आया कि आज तक मेहताब ने जितनी फिक्र चांद की है ना, काश उतनी ही आफताब भाई की कर ली होती तो आज वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में ना आए होते। What? क्या बोल रही हैं आप? सोच समझ के तो बोले कि किसके बारे में बात कर रही हैं? अरे भाई मैं 100% सच बात कर रही हूँ। बबलू ने अपनी इन गुनेगार आंखों से देखा भी है और सुना भी है भाई साहब कोनों में घुस घुस के अपने कान से फोन लगाकर किसी से सरगोशियों में मसरूफ हुए हुए होते हैं। यू नो व्हाट, मेरी आईज ने भी कुछ नोटिस किया था। लो जी, मैं तो आप बाजी के तो अब ना तोते उड़ जाएंगे ये सुन के, अब पता चलेगा उन्हें। अल्लाह, कितनी परेशान हो जाएंगी वो कि उनका मियाँ इस उम्र में ये हरकत कतना कर रहे हैं। Sa